अरे यार, कितनी देर से मैं भूखा प्यासा भटक रहा हूँ। खाने के लिए चखना नहीं है, पीने के लिए वोडका नहीं है। क्या होगा मुझ जैसे मासूम बच्चे का इस दुनिया में? ओ व्हाट द हेल। हाँ, तो अब ओवर एक्टिंग कंप्लीट कर लिया, अब वीडियो स्टार्ट करते हैं। मोसी मोसी गेमर से सुबह इपिक एंड गाइस, आज हम लोग खेल रहे हैं माइनक्राफ्ट। बट स्ट्रक्चर्स के जगह हम लोगों को ओपी स्ट्रक्चर्स मिलेंगे, मतलब आज हम लोग फिर से बहुत माला माल बनने वाले हैं। आज हम लोगों को डायमंड नहीं मिलेगा, आज हम लोग को डायमंड का घड़ी मिलेगा। तो इसी बात पे वीडियो पे लाइक मार दो, तुम लोग जल्दी लाइक नहीं मारते, और चैनल को सब्सक्राइब कर दो। अभी तक बताओ 100% लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, ऐसे कैसे काम चलेगा? हाँ, तो जल्दी जल्दी सब्सक्राइब कर देना। तो देखो, यहाँ पे मैंने सबसे पहले क्राफ्टिंग टेबल इसलिए बनाया है ताकि सबसे पहले तो मैं स्टिक बना सकूं, और उसके बाद एक तलवार बना सकूं, और फिर मासूम जानवरों पे हत्याचार कर सकूं। देखो, मैं बार बार बोलता हूं ये सब करना पाप है, लेकिन नदी किनारे साफ है। पता नहीं क्या कुछ भी बोल रहा हूं मैं कहना चाह रहा था, मैं पाप तो यहां पे कर रहा हूं इन बिचारों को मार के, लेकिन ये मैं अपने पापी पेट के लिए कर रहा हूं। पापी पेट के लिए सब कुछ माफ है। ओके, तो जानवरों पे इतना हत्याचार काफी रहेगा। अब हम लोग चलते हैं सबसे पहले स्ट्रक्चर ढूंढने, और सबसे आसान होगा डेजर्ट टेम्पल को ढूंढना। तो हम लोग को सबसे पहले डेजर्ट बायोम ढूंढना पड़ेगा, और शायद मुझे डेजर्ट बायोम दिख गया। वो देखो, क्या ये सही में डेजर्ट बायोम है? ओ यस, ये सही में डेजर्ट बायोम है। पोपला झूठ बोलता रहता है, मेरी आंख एकदम सही है, मुझे आंख की पावर नहीं बढ़ानी पड़ेगी। अरे नहीं, आंख की पावर नहीं होती, चश्मे की पावर एकदम सही है। ओके, तो फिलहाल तो मुझे कोई भी डेजर्ट टेम्पल नहीं दिख रहा है, ऐसे तो हमेशा तुरंत दिख जाता है। तो जल्दी टेम्पल दिख जा भाई। और हाँ, ओशियन स्ट्रक्चर्स भी डायमंड ये सबसे बने रहेंगे। तो क्या कोई ओशियन स्ट्रक्चर दिख रहा है? ओ हाँ, वो रहा, वो देखो सामने, वो शायद गोल्ड से बना हुआ है। लेट मी चेक इट, और यस, वो गोल्ड है। तुरंत खजाना दिख गया हम लोगों को भाई, ये तो मजा वाला बात हो गया। तो देखते हैं इस चेस्ट के अंदर हम लोगों को क्या मिलेगा। इनके अंदर वाले चेस्ट में भी ओपी आइटम्स रहेंगे, और ये देखो भाई भाई भाई, ये तो खजाना मिल गया, लेकिन मैं डूब के, अरे ये क्या हुआ, इस मैग्मा ब्लॉक ने मुझे नीचे पुल कर लिया था। मुझे लगा कौन पनडुब्बी आके मेरा पैर खींचने लगा। वैसे मुझे लगता नहीं तुम लोग को पनडुब्बी के बारे में पता होगा। खैर छोड़ो, तो हम लोग तो यहाँ से सारा सामान कलेक्ट करते हैं और निकलते हैं, और फटाक फटाक सब कुछ कलेक्ट कर लो भाई, एक भी चीज नहीं छोड़ूंगा, क्योंकि सब कुछ फ्री का है। और ये देखो, बापरे, ओ माय गॉड, इसमें तो कुछ ज्यादा ही एन्चेंटमेंट है भाई साहब। ये सारे चीज तो एकदम ओपी है। प्रोटेक्शन 10, थॉर्न्स 10, अनब्रेकिंग 10, ऊपर से टोपा भी मिल गया, टोटम ऑफ अनडाइंग भी मिल गया, हैशटैग का पोशन भी मिल गया। चलो भैया, यूज कर लिया जाए सब कुछ, इसे भी यूज कर लेते हैं, और देखते हैं अब मैं कितना फास्ट हूँ। कुछ ज्यादा फास्ट तो नहीं हूँ, लेकिन वो दिक्कत वाली बात नहीं है। दिक्कत वाली बात तो यह है कि रात हो चुका है, और मुझे अभी तक ना ही कोई विलेज मिला है, और ना ही कोई ओपी स्ट्रक्चर मिला है, और भूख प्यास भी मुझे भर भर के लगा हुआ है। अरे भाई, कौन मार रहा है? अरे नहीं 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 नहीं, व्हाट द हेल, ये अपने आप मर गया भाई। देखा थॉर्न्स 10 का पावर? हाँ ले, मार मार, आओ मारो मुझे, मारो मारो मारो, सब मारो 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 मुझे, मारो मारो मुझे, मारो मारो। ये लोग अपने आप खुद ही मर जाएंगे भाई। लॉल, मुझे तो कुछ डैमेज भी नहीं हो रहा है। मारो मारो, आज तो खुल के कहूंगा मारो मुझे भाई। ये तो बड़ा मजेदार था, एक बार क्रीपर पे भी ट्राई करना है मुझे, लेकिन रुक जाओ पहले हेल्थ फुल करने दो मुझे। क्रीपर से पंगा लेना रिस्की होगा, और ये सब हड्डी कहाँ से आ गए भाई? अभी तुम लोग की चड्डी खोलने का मेरे पास टाइम नहीं है, मुझे तो अभी सबसे पहले डेजर्ट टेम्पल ढूंढना है, जो कि दिख नहीं रहा है मुझे भाई। या तो मुझे कोई विलेज मिल जाए, या तो डेजर्ट टेम्पल मिल जाए। वो क्या है? ओ, वो डेजर्ट टेम्पल है। यस गाइज, मिल गया हमें, वो डेजर्ट टेम्पल है नया वाला। ये देखो, ये पूरा गोल्ड ये सब डायमंड ये सब का बन रखा है, और भाई इसके अंदर का खजाना तो और भी ज्यादा ओपी रहने वाला है। तो चलते हैं इसके अंदर, लेट्स गो। संभल संभल के चलना पड़ेगा मुझे। अरे भाई, धक्का दे रहे हो मुझे, तुम्हें तो मैं तलवार से नहीं सोवल से मारूंगा। ये लो बच्चे, मुझ पे अटैक किया है, ये लो मर जाओ। यार ये लोग आए ही जा रहे हैं, लगता है तलवार से ही मारना पड़ेगा इन लोगों को भाई। मर जाओ मर जाओ मर जाओ मर जाओ मर जाओ मर जाओ, मरो ना। ओके, तो फाइनली यहाँ पे शांति हुआ, अब मेरे और मेरे खजाने के बीच कोई नहीं आ सकता। तो सबसे पहले तो मुझे एक पिकैक्स बनाना पड़ेगा, वो तो मैंने बनाया ही नहीं, और सीधा डायमंड का पिकैक्स बनाऊंगा। एंड ये बन गया मेरा पिकैक्स। अब चलते हैं यहाँ का मस्त मस्त जाना लूटने, तो मुझे इस साइड से जाना पड़ेगा। नूप वाली हरकत मत करना, बच गया, वो ब्लास्ट नहीं हुआ। वाटर बकेट नहीं है, नहीं तो मैं उसी का यूज करने वाला था, लेकिन चलो ऐसे चलते हैं एंड जंप करते हैं और इसे तोड़ के हटा देते हैं। तो चलो अब चेक किया जाए इन सभी में क्या है। ओके
ओके भाई इलाइट्रा मिल गया, वो मिल गया, पता नहीं क्या क्या मिल गया मुझे। बल्ले बल्ले पाजी मजा आ गया, सही बोल रहा हूँ, इतना खजाना मैंने जिंदगी में कभी नहीं देखा। ये देखो, ओह माय गॉड, एक साथ कितने सारे एडवांसमेंट मिल गए हैं। और अभी तो मैंने बस एक चेस्ट चेक किया है, इधर भी ओपी आइटम्स है। गाइज मैं पूरा कंफ्यूज हो चुका हूँ, कौन सा लूं कौन सा ना लूं, सब ले लेता हूँ। तो चलो अब इस चेस्ट में चेक किया जाए, और इधर भी ओपी आइटम्स है। ये तलवार देखो, ओह माय गॉड भाई, ऐसा तलवार रहे तो एंडर ड्रैगन तो एक शॉट में टपक जाए। तो अब ये आखिरी चेस्ट है, एंड इसमें भाई साहब मुझे तो अब कुछ बोलना ही नहीं है, जन्नत नसीब हो गया मुझे, अब मैं आराम से मर सकता हूँ। ना ना ना, अभी नहीं मरना है, अभी तो मेरी शादी भी नहीं हुई। तो देखो मैं ऑलरेडी ओपी बन चुका हूँ, अब मुझे नहीं लगता मुझे और भी कुछ चाहिए। तो सबसे पहले तो ये सारे पोशन पी के खत्म करने दो, और फिर सुपर सैयन मोड में जाएंगे हम लोग, और इन सभी बॉटल ऑफ ओ एन्चेंटिंग को भी यूज करने दो मुझे, और आखिरी एक गोल्डन एप्पल खाने दो, अब तो मैं भगवान बन चुका हूँ। ये देखो कितना ऊंचा उछल सकता हूँ मैं, और इन सभी डायमंड को भी क्यों छोड़े, चलो इन सभी को भी रख लेते हैं। और ये देखो भाई मेरा पिकैक्स कितनी तेजी से चल रहा है, भाई सही में मैं आज पगला जाऊंगा इतना सारा ओपी आइटम्स देख के। तो देखो अब मैं तुम लोग को अपनी रहीसी दिखाता हूँ, मैं यहाँ से निकलने के लिए डायमंड ब्लॉक का यूज करूंगा, ये हुआ ना रहीसी वाला काम। और यहाँ पे एक नेदराइट ब्लॉक भी है, चलो इसे भी रख लेता हूँ, नीचे गिर गया, छोड़ो नहीं रखता हूँ। तो अब बताऊंगा मैं उन सभी जॉम्बीज को, मुझे बड़ा मार रहे थे ना, अब रात होने दो, उन सभी को जो टॉर्चर करूंगा ना मुझे खड़ूस सिंह बुलाने लगेंगे वो लोग। तो ये देखो फाइनली रात हो रही है, अब बदला लेने का वक्त आ चुका है। तो एक एक करके सारा टूल्स में ट्राई करूंगा, सबसे पहले तो इस पे, हेलो भैया ये लो टपक जाओ, ओ माय गॉड कितनी दूर फेंकाता है ये। और अब इन सभी की बारी, मर जाओ, और आखिरी वाले को भी जला डालूंगा मैं, और एक एक शॉट में ये सारे मर रहे हैं। भाई ये तलवार तो कुछ ज्यादा ही ओपी है, ये देखो कितनी दूर फेंकाते हैं ये लोग। जाओ भैया नानी घर जाओ, तुम अपने दादी घर जाओ, तुम अपने गर्लफ्रेंड के पास जाओ, ओ सॉरी इसकी तो गर्लफ्रेंड है ही नहीं, है मेरी भी नहीं है। अब इस एक्स की बारी, इससे क्या होगा, अरे ये एक्स उतना ओपी नहीं है, ठीक ठाक है ये एक्स, उतना भी कुछ मस्त नहीं है, ये देखो मरने में टाइम लेता है थोड़ा। और ये बंदर मैन तो हमेशा की तरह उछलता ही रहेगा इधर उधर, बस झूठ मूठ का कान के सामने ए चिल्लाता रहेगा। और हाँ अब इन सब हड्डी को बताता हूँ, इनके लिए तो ये बो एंड एरो ही यूज करना पड़ेगा। ये लो बउआ तुम्हारा वाला चीज मेरे पास भी है, वाओ बाप रे कितनी दूर फेंका जाते हैं ये लोग, देखना ये क्रीपर कितनी दूर फेंकाएगा, ओह माय गॉड एक एक शॉट में मर रहे हैं ये लोग। हाँ तो भैया चलो, अरे छुटंकी इधर आने की जरूरत नहीं है तुझे, ये देखो, और ये क्रीपर मैं देखता हूँ क्या मैं मरूंगा। लोल मुझे कुछ डैमेज भी नहीं हुआ, देख रहे हो मेरा आर्मर कितना ज्यादा ओपी है, वो क्रीपर मेरे सामने फट गया और मुझे कुछ हुआ भी नहीं। गाइस सही बोल रहा हूँ, इस बो को यूज करने में बहुत ज्यादा मजा आ रहा है मुझे। देखूं तो इस पे है क्या, पावर 10 है, पंच 10 है, फ्लेम 10 है, इन्फिनिटी है, और मेरे बगल में एक क्रीपर फट रहा है, लेकिन मुझे कुछ नहीं हुआ। तो देखता हूँ क्या ये लोग मुझे मिल के मार सकते हैं, लो लो मारो मारो, मुझे कुछ नहीं हो रहा है, थोड़ा बहुत डैमेज हो रहा है, लेकिन फिर भी ये लोग मेरा कुछ नहीं बिगाड़ पा रहे हैं, लोल यही सब मरते जा रहे हैं। ये देखो इन लोगों ने मेरे शरीर में इतने छेद कर दिए हैं कि मैं कंफ्यूज हो चुका हूँ, सांस कहाँ से लूँ। और तो अब बस मुझे जो आखिरी चीज चेक करना है वो है ओशियन मॉन्यूमेंट, वहां पे मुझे देखना है कि वहां सेंटर में मुझे क्या मिलेगा। ऐसे तो हमेशा वहां पे गोल्ड मिलता है, लेकिन आई डोंट थिंक सो इस बार गोल्ड होना चाहिए। तो चलो भैया चलते हैं ओशियन मॉन्यूमेंट में, नैया चलाओ ओशियन मॉन्यूमेंट ढूंढ के आओ। और ये देखो ओशियन मॉन्यूमेंट मुझे मिल चुका है, और ये शायद पूरा का पूरा गोल्ड से बना हुआ है, यस ये पूरा का पूरा गोल्ड से बना हुआ है, और बीच बीच में एमराल्ड ये सब है। तो जाने से पहले मुझे एक बार गोल्डन एप्पल खाने दो, और अब चलते हैं अंदर। अरे यार बहुत परेशान कर रहे हैं मुझे ये लोग, लेकिन मैं इन सभी को इग्नोर मारने वाला हूँ, और मैं सीरियसली बताऊँ तो बहुत ज्यादा कंफ्यूज हो चुका हूँ भाई, ये पूरा का पूरा इलाका गोल्ड से बना हुआ है, मुझे कुछ नहीं समझ में आ रहा है। लेकिन ये देखो आंख दिखाने वाला ये रहा, मर जाओ भाई मर जाओ जल्दी, मेरे पास इतने सारे ओपी आइटम्स है, मर जाओ ना। और तुम किसे देख रहे हो, हाँ ये लो, ओ भाई ये भी कुछ ज्यादा ही दूर फेंका जाता है। तो ये देखो ये रहा दूसरा एल्डर गार्डियन, और इसे तो मैं आसानी से टपका सकता हूँ, डरने की जरूरत भी नहीं मुझे। और ये गया भाई, मर जल्दी
तो अब बस आखिरी वाले को टपकाना है, फिर हम लोग देख पाएंगे कि सेंटर में हम लोग को क्या मिलता है। और ये रहा आखिरी वाला एल्डर गार्डियन, इसकी भी बारी आ चुकी है। भैया जी आपका टाइम पूरा हो चुका है, चलो टाइम अप। बहुत जिंदगी भर आग दिखा लिया, अब आपके आंख बंद करने की बारी आ चुकी है। ओके, तो फाइनली सभी को मैंने टपका दिया है, अब बस हम लोग को सेंटर वाला खजाना ढूंढना पड़ेगा जो कि शायद यही है। ये देखो ये रहा खजाने वाला रूम, तो देखते हैं इसके बीच में क्या हम लोग को स्पेशल खजाना मिलेगा। और गोल्ड ही मिला हम लोगों को, ये तो भाई के साथ धोखा हो गया।